फ्रॉड कॉल आपको भी आ सकता है, सो इनसे बचिए और ये पूरा वॉइस सुनिए। अभी क्या करना है? हाँ, उसमें देखिए 4 अंक का नंबर बता रहे हैं ना, नंबर बोलिए। 4 अंक का नंबर मतलब आप क्या करोगे अभी इससे? यहाँ से ऑर्डर वेरीफाई होगा, ठीक है ना, जैसे कि कौन सी टाइम में आपको यहाँ से मिलेगा एटीएम कार्ड और कौन सी डेट में आपको मिलेगा, ठीक है? लेकिन एटीएम कार्ड तो मेरे पास है ऑलरेडी। नहीं, ऑलरेडी आपका पास है तो दूसरे अकाउंट का है ना, आपका यहाँ जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का आपको मिलेगा। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक का तो एटीएम है ही नहीं, हम लोग तो ऑनलाइन करते हैं। हम ऑनलाइन करते हैं ना सर, जैसे कि कोई दूसरे अकाउंट जैसे कि एसबीआई होता है या तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी इलाहाबाद, ऐसा कोई भी अदर अकाउंट है ना, तो उसमें आपका एटीएम कार्ड जैसे कि होता है ना। लेकिन एटीएम लेने से तो फिर पैसा भरना पड़ता है उसमें। नहीं, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जिस टाइम अपना डिस्ट्रीब्यूटर का पास जाके ओपनिंग किए थे ना, उसी टाइम वहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई 1 रुपए चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ जैसे कि आपको जाके आपका बाय पोस्ट के माध्यम से आपको लेना पड़ेगा एटीएम कार्ड, आपका पोस्ट ऑफिस में लेकर वहाँ जमा कर दिया जाएगा सर। ओके ओके। हाँ, उसमें देखिए 4 नंबर तो बता मेरा रहा है ना, लड़का से बात कर लीजिए, वो अभी है ही। ठीक है। आपका लड़का है वहाँ पे, ठीक है, बात कराओ। अरे बटवा रहा हूँ अहमद, ये तनिक ये आ तो ये देखो, कोई सर कॉल किया है ऑफिस से। हेलो। हाँ जी सर, हाँ तो बोलिए। आप मौसिफ जी, तो आपका कौन लगता है? मेरा पापा जी लगता है। आपका पापा लगता है ना, हाँ तो बोलिए। बिल्कुल, देखिए वहाँ पे चेक कीजिए, हमारी ब्रांच से आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड आया है, अरे ऑर्डर लेकिन वेरीफाई आप करने के लिए। कौन बोलते हैं? क्या सर? कौन बोलते हैं अपने? नहीं, एयरटेल पेमेंट बैंक का सर, एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या करते हैं? उसमें आपका एटीएम कार्ड आया, ठीक है, मौसिफ अहमद के नाम से। नहीं, अरे तोहनी का करते है? क्या तोहनी का काम करते है? सर, आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं मतलब तोहनी का काम करे थे एयरटेल में? सर, हम लोग जैसे कि यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है ना, मैं दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ, हेड ऑफिस दिल्ली से है हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली? जी, तो हमनी का ऑफिस तो असम में बा, घाटी का आसाम में हाथेगांव में, गुवाहाटी के जैसे कि गुवाहाटी सिटी में है ना। जा। हाँ, तो यहाँ से आपका जो मेन ब्रांच जो होती है, हमारी हेड ऑफिस दिल्ली में है सर। ओके, अच्छा उसमें देखिए आपको ऑर्डर वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर पे मैसेज मिला है, मासस तो अभी यहाँ कहाँ है? नहीं है तो मैसेज 10:08 पे मिला होगा, चेक कीजिए। 10:08 में? अरे ये छोटुआ मोबाइल है ना, यहाँ में वो डिलेट हो जाता है, नीचे चला जाते हैं, डिलीट हो जाता है, मतलब नीचे चला जाता है ना मैसेज सर। तो अपना एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? हमने के तो चाहिए अभी, पापा बोला तो फिर ले लेते हैं। पैसा देना पड़ेगा का? नहीं, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे अपना मैसेज चेक कीजिए। मैसेज नहीं आया है? नहीं मिला है? नहीं मिला है मैसेज। 1 मिनट लाइन पर बने रहिए, मैं यहाँ से आपको रिसेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, भेज दीजिए भेज दीजिए। ये सब फ्रॉड कॉल एक गांव से, कई कोने से किया जाता है, तो आप इनसे बच के रहिए। और कभी भी आप कोई भी मोबाइल का ऐप हो या कोई भी मैसेज हो, आप किसी को फॉरवर्ड ना करें। कभी भी ऐसा अगर प्रॉब्लम आए तो आप वो बैंक में या वो जो आपका ऐप है वहाँ आप कंफर्म कीजिए और किसी समझदार से एडवाइस लीजिए। खुद ऐसे फ्रॉड कॉल से बचे और अपनी अपनों को भी ये एडवाइस दें, और हो सकता है तो ये वीडियो भी शेयर करें।